हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो लेक्चर नंबर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। हम लोग क्लास 11th जेई कम्बाइंड एनजीए और सीयूईटी के लेक्चर्स चल रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फुल सोल्यूशन हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर का। आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डाउट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3.4 का, तो ये एक्सरसाइज चल रही है 3.4 का, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। और क्वेश्चन है सोल्यूशन निकालना आपको cot x इक्वल टू माइनस रूट थ्री। तो बच्चों ये आपके सामने लिखा हुआ है cot x इक्वल टू माइनस रूट थ्री, कैसे करेंगे देखिए इसका सोल्यूशन। देखिए बेटा cot x है, अब आप बोलोगे सर आपने मुझे पढ़ाया sin x इक्वल टू sin अल्फा, आपने मुझे पढ़ाया cos x इक्वल टू cos अल्फा, और आपने मुझे पढ़ाया टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा, ये पढ़ाया आपने मुझे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि कॉट एक्स को मैं लिख देता हूँ वन अपॉन टेन एक्स इक्वल टू माइनस का रूट थ्री। बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे वन अपॉन टेन एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री, तो यहाँ से टेन एक्स को ऊपर ले जाओ इक्वल टू वन अपॉन माइनस रूट थ्री हो गया। सो टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट थ्री, टेन एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है माइनस वन बाई रूट थ्री, बोलिए क्लियर है। चलिए तो ये टेन एक्स की वैल्यू आ चुकी है माइनस वन बाई रूट थ्री। अब आगे की कार्यवाही की जाए, आपको पता करना है कि टेन एक्स की वैल्यू निगेटिव कहाँ होती है। ये देखिए ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है निगेटिव। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, आपको एंगल पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन पता चल जाएगा। चलो टेन एक्स इक्वल टू माइनस, देखिए आप वन बाई रूट थ्री को क्या लिख सकते हो, टेन थर्टी डिग्री लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बहुत बढ़िया। और आप जानते हो फॉर्मूला होता है कि टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ये भी होता है, होता है ना। खैर उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए टेन माइनस थर्टी, टेन एक्स इक्वल टू, ध्यान से बताइए मुझे कि माइनस टेन थर्टी, क्या आप माइनस टेन थर्टी, अगर आप टेन 180 माइनस थीटा करते तो क्या आता। 180 माइनस थीटा मतलब ये वाली लाइन क्रॉस होती, और 180 माइनस थीटा किस में गिरता, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर 180 माइनस थीटा गिरता तो बोलो आंसर क्या आता, माइनस का टेन थीटा, क्या आता माइनस का टेन थीटा। तो माइनस टेन थीटा इक्वल टू टेन 180 माइनस थीटा, और फिलहाल थीटा की जगह कौन खेल रहा है 30, थीटा की जगह कौन खेल रहा है 30। तो बच्चों 10x इक्वल टू कितना हो गया 10 150, हुआ कि नहीं हुआ, 10x इक्वल टू कितना हो गया 10 150। आ गई बात समझ में। अब 150 को रेडियन में लिख लो, क्योंकि आंसर आपकी बुक में किस में दिया हुआ है, रेडियन में। तो सबसे पहली चीज मैं बोलूँगा प्रिंसिपल सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन लियो भाई, प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया 150 डिग्री। और अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 150 इंटू पाई अपॉन कितना 180 कैंसिल कर दो, 5 से गया 3 से 5 बार और 6 बार, आंसर आ गया 5π/6। ये आ गया रेडियन में, किस में आ गया ये रेडियन में। कौन सा सोल्यूशन है, प्रिंसिपल सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है प्रिंसिपल। आप इसे क्या लिख लो, इसे लिख दो 10x इक्वल टू 10 अल्फा, अल्फा मतलब कितना 5π/6, 5π/6 क्या किया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको लिखना है इसका जनरल सोल्यूशन। तो कल याद करो मैंने पढ़ाया था 10x इक्वल टू 10 अल्फा का जनरल सोल्यूशन। देखो भाई फॉर्मूले चार्ट में 10x इक्वल टू 10 अल्फा का जनरल सोल्यूशन, x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये था जनरल सोल्यूशन 10x इक्वल टू 10 अल्फा का, x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, बोली क्लियर है, x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कितना आ चुका है बच्चों, 5π/6 आ चुका है, आया है कि नहीं आया है, ये देखो अल्फा कितना है 5π/6। तो बच्चों x इक्वल टू कितना आएगा एन पाई प्लस 5π/6, आंसर का मिलान कर लीजिए, चेक करिए आंसर क्या है एन पाई प्लस 5π/6। तो ये है इसका जनरल सोल्यूशन, ये है इसका जनरल सॉल्यूशन, ओके एन पाई प्लस 5/6। और लिखना ना भूलें एन क्या है इंटीजर, एन क्या है इंटीजर, वेयर एन बिलोंग्स टू
इंटीजर। तो आंसर देख लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5π/6। ठीक है, बिल्कुल चलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू आप एक ही निकाले तो भी चलेगा, दो निकाल दो तो भी चलेगा, मगर एक ही निकालो ना, कोई दिक्कत नहीं है। दो निकाल के क्या करोगे, देखिए बुक में दो प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है, क्यों, क्योंकि 10x की वैल्यू आई थी अपने पास -1/√3। अब 10 की वैल्यू निगेटिव कहाँ होती है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन वाले भाई साहब ने, जिन्होंने आंसर लिखा है, उन्होंने इसकी भी वैल्यू निकाल दी और इसकी भी वैल्यू निकाल दी है। बट रूल ये होता है कि जो एंगल पास में है वो जल्दी आंसर हुआ करता है। तो इसका आंसर क्या है, 5π/6। तो एक ही निकालोगे तो भी चलेगा, दूसरा निकालना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। भाई दूसरे निकालने के लिए आपको कहाँ कूदना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि ये 2π-θ, 2π-θ। और आप मुझे बताइए कि 10 2π-θ क्या होगा, बोलिए +10θ या -10θ। अरे ये लाइन क्रॉस हो रही ना, तो 10 तो 10 में रहेगा ही। हाँ, अब रहा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो क्या हो गया, -10θ। तो आपके पास में जो वैल्यू निकली थी अपने पास में, 10θ इक्वल टू -1/√3, दैट इज इक्वल टू -10, कितना, 30 डिग्री। ये सुनो, 30 डिग्री। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो -10 30 डिग्री इक्वल टू 2π-θ। 2π मतलब कितना होता है, 360। इसको मैं डिग्री में लिख दूँ तो इसको मैं लिखूंगा 10 360-θ इक्वल टू -10θ। तो यहाँ -10 30 इक्वल टू होगा 10 360-30। बोले तो कितना आ गया, ये हो गया, एक मिनट, माइनस गायब हो जाएगा ना, -10θ इक्वल टू 10 360-θ। तो ये कितना हो गया, 10 330 डिग्री। कितने डिग्री, 10 330। अब डिग्री को रेडियन में बदलो तो 330 डिग्री मल्टीप्लाई बाई π/180। कैंसिल करो, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 33π/18। काटो इसको भाई, किससे कटेगा, 3 से 11 बार, और ये कितना, 6 बार। चेक करिए आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू आई हुई 11π/6। आइए, कोई दिक्कत, तो ये दोनों हमारी आंसर्स आ चुके हैं, मगर हमारे जो काम का आंसर है सेकंड वाला ही है। तो अगर आप सेकंड वाला, मतलब पहला वाला ही है, अगर आप एग्ज़ाम में सेकंड वाला नहीं निकाल रहे हो ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको दूसरी वैल्यू निकालनी, अरे प्रिंसिपल मतलब एक सोल्यूशन बस काफ़ी है, ठीक है ना। तो आपका फाइनल आंसर कितना बनेगा, n π/π/6, ठीक है ना। तो बस आपको यही आंसर लिख करके आना है, दूसरा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, कोई डाउट बच्चों, क्लियर एकदम, चलिए तो ये हो गया। और कोई सवाल है अगला इसका, पूछिए पूछिए, और कोई सवाल है, यस, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम, बड़ा सोल्यूशन है, बड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखता हूं, cos 3x + cos x - cos 2x इक्वल टू 0। सोल्यूशन देने बनाना है, सॉल्व करना है, cos 3x + cos x - cos 2x इक्वल टू 0। अच्छा देखो क्या है, जब क्वेश्चन आएगा तो ये लिख करके आएगा सॉल्व, क्या लिख करके आएगा, सॉल्व। अब मालूम, मैंने अभी कॉपियां चेक करी एग्ज़ाम की, तो मैंने देखा बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने करना रखा ट्रू प्रूफ। लियो भाई साहब, करना था सॉल्व और बच्चे करने लगे ट्रू प्रूफ, तो बच्चों ने क्या किया, ले लिया LHS, क्या ले लिया, LHS, और LHS लेकर के लिखा कि cos 3x + cos x - cos 2x। अब भैया तुम जिंदगी लगा दो, तुम इसको जीरो के इक्वल नहीं ला पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूफ दैट वाला नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और तुमको x की वैल्यू निकालनी है। अरे जहां पर बेटा सॉल्व लिखा हो ना, वहां पर x की वैल्यू निकाली जाती है, किसकी वैल्यू निकाली जाती है, x की, ठीक है। और बच्चे लोग सॉल्व करने लग गए, अरे कहां से सॉल्व होगा भाई, ठीक है ना, मतलब बच्चे लोग प्रूफ करने लग गए। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि सॉल्व करो, चलो क्या सॉल्व करो, सोचो जरा, जैसे मैं कहूं आपसे कि एक इक्वेशन दे दूं मैं आपको, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं मगर बच्चे गलती करते हैं इसलिए कहना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं 3x +
फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्व। तो क्या करोगे आप, एल एच एस लेके आर एच एस की इक्वल दिखाओगे कि एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे? लो मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि वैल्यू तो फाइंड करनी है, बट यहाँ पर लगने प्रूफ करने लग गए कि लो हम प्रूफ कर रहे हैं। जरा अपनी कॉपी दिखाओ, हो सकता है आप लोगों ने भी प्रूफ कर दिया एल एच एस ले करके। नहीं, आपने तो नहीं किया है, सही है। तो बेटा जब भी सॉल्व करना है तो आपको एल एच एस और आर एच एस दोनों को ही लेकर के आगे बढ़ाना है। वहाँ पर आपको ये नहीं है कि आपको एल एच एस लेकर आर एच एस लेकर के आना है, नहीं, वहाँ पर आपको पूरी इक्वेशन लेकर के चलना है। वहाँ पर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, है ना, कि एल एच एस क्या आर एच एस क्या है। ओके चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपके पास तीन टर्म है, ये क्या दिया है, ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या कहलाता है ये? अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपके सामने दिया है, अब उसमें आपके सामने तीन टर्म दिए गए हैं, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले दो देखो, ऐसों की जोड़ी बनाओ जिससे आपका फायदा हो। अब अगर 3x और 2x की जोड़ी बनाते हो तो देखो क्या क्या फायदा क्या नुकसान। 3x प्लस 2x क्यों? क्योंकि फार्मूला जब लगाओगे cos c माइनस cos d तो क्या फार्मूला बनेगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। दोनों टर्म sin के होते हैं cos में, तो 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 5 बटे 2, फंस गया। तो क्या ले लो भाई, इन दोनों को ले लो, क्या फ़ायदा है देखो, 3 प्लस 1 4 और 4 का आधा 2 और ये भी बैठा है 2, मतलब कॉमन लेने के सुनहरे सपने दिख रहे हैं। तो इसलिए कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो दुनिया को दिखाने के लिए कि ये दोनों साथ हैं, मैंने क्या किया, cos 3x प्लस cos x को ब्रैकेट में ले लिया और cos 2x को ले लिया, और इधर पे क्या, जीरो। सॉल्व हो रहा है तो पूरा लेके चलना पड़ेगा। चलिए cos c प्लस cos d का फार्मूला, 2 cos 3x प्लस x c प्लस d बाई 2 और cos ऑफ c माइनस d बाई 2, बिल्कुल सही, माइनस कॉस का 2x इक्वल टू कितना, जीरो, बहुत बढ़िया। 2 कॉस 3x प्लस x मतलब बेटा 4x अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया ये देखिए, और कॉस ऑफ कितना x, 2x बाई 2 यानी कि x, और माइनस कितना कॉस 2x इक्वल टू कितना, जीरो। तो बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से अब क्या है, 2 कॉस 2x इंटू कॉस x माइनस कॉस 2x इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ से कॉस 2x कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 2 कॉस x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो बेटा दो चीज़ें होंगी, या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा। तो कॉस 2x इक्वल टू ज़ीरो और 2 कॉस x माइनस 1 इक्वल टू कितना, जीरो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर cos x इक्वल टू जीरो है तो उसका जनरल सोल्यूशन, याद करिए आपको मैंने बताया था cos x इक्वल टू जीरो का जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, याद आया, ऑड पाई बाई 2, बस इसको पुट कर दो। यहाँ पे x की जगह कौन बैठा, 2x, मतलब 2x तुम क्या होगे, 2x कहता है मैं होऊंगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो भैया x के मल्टीप्लाई में 2 है तो x को छोड़ोगे तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो हो गया कितना 2n प्लस 1 और पाई बाई 4, ये हुआ इसका पहला आंसर, ठीक है, पहला आंसर। अब हो सकता है भाई कि किसी को 2n प्लस 1 पसंद ना हो, किसी को 2n माइनस 1 पसंद हो, हाँ या ना, तो दोनों सही है ना, कोई ऑड को 2n प्लस 1 बोलता है, कोई ऑड को 2n माइनस 1 बोलता है, बोलने दो, यस और नो। इवन के एक आगे वाला ऑड है तो इवन के एक पीछे वाला भी क्या है, ऑड ही तो है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। आगे देखो ये वाला सोल्यूशन, अब इसको हल करते हैं, और लगाना मत भूलिए, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, बोले तो 2 cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1 बाई 2, यस और नो। लो cos x इक्वल टू 1 बाई 2 जनरल सोल्यूशन, cos x इक्वल टू cos 60, 60 को क्या बोलते हैं, पाई बाई 3। कल मैंने आपको पढ़ाया था cos x इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद आया, x इक्वल टू 2n पाई, तो यहाँ पे कितना होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये हो गया इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। आया समझ में,
एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलो तो बहुत बढ़िया, नोट कर लो फटाफट इसको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 2x है, इसको सॉल्व करते हैं। sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस क्या बेटा? 10 2x, बहुत बढ़िया बच्चों, 1 माइनस 10 2x है। ओके ओके ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यार देखो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे 2x का एंगल है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x। बोलो आप लोग एग्री हो? 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, यस और नो? 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल, कांस्टेंट है, मज़े से कैंसिल करो। चलो इसको इधर लेकर के आओ, 10 स्क्वायर 2x है, फिर क्या है, प्लस हो जाएगा, 10 का 2x हो जाएगा, 10 का 2x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। लो 10 2x को कॉमन ले लो, और इधर पे क्या बचा? 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या चीज़ें होंगी, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। 10 2x इक्वल टू 0, तो 10 2x इक्वल टू 0, कल मैंने आप लोग को बताया था कि 10 थीटा इक्वल टू 0, बोले तो थीटा इक्वल टू कितना? n पाई। तो यहाँ पे थीटा की जगह कौन बैठा है? 2x इक्वल टू कितना? n पाई। तो आंसर कितना आएगा? x इक्वल टू n पाई बाई 2, पहली चीज़। दूसरा, 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, बोले तो 10 2x इक्वल टू कितना हुआ? माइनस का 1 हुआ कि नहीं हुआ? 10 2x इक्वल टू माइनस का 1। बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 2x इक्वल टू माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 10 45, माइनस 10 45। सो 10 2x, आप चाहो तो 10 45 को इसमें माइनस को अंदर डाल दो। बोलिए कितना हो गया? 10 का माइनस 45। तो 10 2x इक्वल टू 10 माइनस का 45, मतलब माइनस का पाई बाई 4। अब कल मैंने फिर से वही सोल्यूशन बताया था कि 10x इक्वल टू 10 अल्फा का सोल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू n पाई प्लस कितना? अल्फा। तो x की जगह यहाँ कौन बैठा है? 2x। कौन बैठा है? 2x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह कौन आ गया? माइनस पाई बाई 4। प्लस इंटू माइनस कितना हो गया? माइनस n पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो गया 2x। 2 भाग करके नीचे आएगा, अपॉन में चला जाएगा, n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 इज द आंसर। डन, ये हो गया अपना सोल्यूशन। चलिए इस नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। तो फिर क्वेश्चंस में एग्जांपल नंबर 6 आपके सामने दिया है, sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू, आपको प्रूफ करके लाना है, tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। sec 8 थीटा माइनस 1 को आप क्या कर लो, sec 8 थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है तो, और साथ में ये sec 4 थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है, क्या करो, sec को सबसे पहले cos में बदल लो। क्या बदलो? sec को cos में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो मेरे साथ, sec को लिख सकते हो आप 1 अपॉन cos 8 थीटा माइनस का 1, और ये लिख सकते हो 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस का कितना? 1। ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। पलटी मार के 4 थीटा इसके ऊपर आ जाएगा और cos 8 थीटा इसके साथ चला जाएगा। देखो यहीं तक आ गया, आ गया ना। चलिए अब देखिए, 1 माइनस cos 8 थीटा, मैंने फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो मतलब डबल एंगल सिंगल में टूटता है, तो 8 है तो 8 का आधा क्या होगा? 4। तो 2 sin स्क्वायर 4 थीटा, और नीचे 4 है तो 4 का आधा कितना होगा? 2। तो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर हो गया? तो यहां तक आ चुका है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये इसके बाद यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पे अपन ने 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा है, तो साइन स्क्वायर 4 थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो साइन 4 थीटा, देखिए क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, मतलब साइन 4 थीटा एक बार और साइन 4 थीटा दो बार, ठीक है ना। और मैंने साइन 4 थीटा के साथ 2 को मर्ज कर लिया, तो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, ये क्या बन जाएगा? 2 साइन ए कॉस ए, यानी साइन 2 ए, यानी ये बन जाएगा साइन 2 इंटू ए की जगह कौन है? 4 थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 8 थीटा। क्या बन गया ये?
एट थीटा, ये देखिए ये बन गया साइन एट थीटा और ये साइन फोर थीटा, ये बैठा हुआ है, बोलिए सुनो। अब देखिए नीचे क्या बैठा है, कॉस एट थीटा और साइन टू थीटा, साइन स्क्वायर टू थीटा। तो यहाँ पे देखिए कॉस एट थीटा बैठा है, तो साइन और एट की जोड़ी, कॉस की जोड़ी क्या बनेगी, टेन, क्या बनाएगी, टेन बनाएगी। तो साइन और कॉस की जोड़ी क्या बनाएगी, टेन बनाएगी। तो ऊपर क्या बन गया, टेन एट थीटा बन गया, ऊपर की नहीं बना, ऊपर बन गया टेन एट थीटा। अब ये देखो ये साइन फोर थीटा है, इस साइन फोर थीटा को यदि मैं साइन टू थीटा के फॉर्मूले से तोड़ दूं तो साइन फोर थीटा इक्वल टू कितना होगा, टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा ये हो जाएगा, और नीचे क्या बैठा है, साइन स्क्वायर टू थीटा, मतलब दो बार साइन टू थीटा, एक बार और दो बार साइन टू थीटा, साइन टू थीटा बैठा है कि नहीं बैठा, है ना। तो साइन टू थीटा जो है दो बार बैठा हुआ है। देखिए तो क्या करते हैं हम कि हमने जो है साइन टू थीटा से ऊपर वाला साइन टू थीटा, देखिए यहाँ से एक साइन टू थीटा से एक साइन टू थीटा क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया, ओके। अब देखो क्या हो गया, अब आपके पास में ऊपर एक बच गया है, देखो टू से टू भी कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब क्या बच गया, ऊपर कॉस टू थीटा और नीचे क्या बचा है, साइन टू थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, यानी ऊपर ऑलरेडी एक टेन एट थीटा तो था ही और साथ में क्या बन चुका है, कॉट टू थीटा। तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन, तो ये बन जाएगा टेन एट थीटा मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन टेन टू थीटा। तो ये आंसर आ चुका है, ये आपको प्रूफ करना था। चलिए ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एनडीए लेवल का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा चौंका देने वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी से अपनी कॉपी में करके दिखा डालो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेवन। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेवन, सॉल्व द इक्वेशन, जैसा अभी आपने मेरे से क्वेश्चन कराया वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है। देखिए साइन तीन लोग हैं, अब तीन में कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि भाई काम बन जाए। तो साइन थीटा और पाँच को ले लो, तो देखो पाँच और एक छः, और छः का आधा क्या बनेगा, तीन, यस और नो, क्योंकि जब फार्मूला लगाओगे सी प्लस डी का तो पाँच थीटा और एक थीटा क्या बनेगा, छः थीटा, और छः थीटा का आधा क्योंकि फार्मूले में होता है साइन सी प्लस डी बाई टू, तो साइन थ्री थीटा मिल जाएगा। ये देखो जैसे मिल गया तो फिर थ्री थीटा कॉमन आ जाएगा बस। तो दो इक्वेशन बन गए, एक ये बन गया एक ये बन गया, इक्वल टू जीरो, साइन थ्री डी इक्वल टू जीरो बताया था मैंने, थ्री थीटा इक्वल टू एन पाई, यानी थीटा इक्वल टू एन पाई बाई थ्री, और दूसरा कॉस टू थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो कॉस टू थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यानी कॉस थीटा माइनस वन बाई टू, यानी कॉस टू पाई बाई थ्री, और टू थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री, टू को डिवाइड कर दो, ये आंसर आ गया। तो दो आंसर आएंगे, या तो ये आएगा, ठीक है, एक तो आ गया अपने पास कितना, ये तो दो आंसर आए, एक तो ये आ गया और दूसरा ये, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आपका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। तो एक्चुअली हमारे दो आंसर यहाँ पे आए, एक में आंसर बताया एन थीटा इक्वल टू एन पाई बाई थ्री और थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। तो यहाँ पर हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक थीटा इक्वल टू एन पाई बाई थ्री और दूसरा थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई थ्री। जरा चेक कर लूँ मैं, थीटा इक्वल टू थ्री एन प्लस वन पाई बाई थ्री, थ्री एन प्लस वन पाई बाई थ्री, ओके, एंड थीटा इक्वल टू थ्री एन माइनस वन पाई बाई थ्री। चलिए ऑल दीज वैल्यू ऑफ थीटा कंटेन्ड इन दिस, देखिए ये जो है इसको इस तरीके से यहाँ के बाद इस तरीके से लिखा गया है, पहले आप इतना कर लीजिए, फिर मैं आपको जो है इसका एक सरल मेथड बताता हूँ कि इसका आंसर ये क्यों आ रहा है। देखो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है, कहाँ तक क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया, हो गया कि नहीं हुआ। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री कैसे आया, टू थीटा इक्वल टू था तो टू का डिवाइड कर दिया तो एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री आ गया। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसके बाद ये नई कहानी क्या शुरू हो गई है, रेड पेन से बता रहा हूँ मैं, देखना, यहाँ से नई कहानी ये शुरू हुई है। इनका कहना है कि भैया एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो एक बार प्लस लोगे तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है, थ्री का एलसीएम ले लो भाई साहब, तो कितना हो गया, थ्री का एलसीएम ले लोगे, थ्री एन पाई प्लस पाई होल डिवाइड बाई थ्री। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लो आप, तो पाई आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, थ्री एन प्लस वन होल बाई थ्री, ये देखो बन गया, आ गया, इसको लिख दिया ना ऐसे ही, इन्हों थोड़ा सा सजा धजा के लिख दिया, थ्री एन प्लस वन पाई बाई थ्री। सिमिलरली थ्री एन माइनस वन पाई बाई थ्री, तो एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया,
और एक आंसर ही आया, ठीक है ना। तो तीनों आंसर आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। एक ये है, उसको मैं रेड कलर से घोर घेर देता हूँ, एक ये है और एक आंसर कहाँ गया, ये छुपा हुआ है। बोलो तीन आंसर निकले कि नहीं निकले। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद सवाल आपके मन में ये चल रहा है कि सर फाइनल आंसर ये क्यों ले लिया, इन सबको क्यों छोड़ दिया, इन सबको क्यों छोड़ दिया। देखो इसका आंसर क्या, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपसे कहूँ कि तुमने कुछ लड्डू खाए, मैंने कहा तुमने कितने लड्डू खाए, 4+1 खाए, 6-1 खाए और तुमने 5 लड्डू खाए, तो बोलो 4+1 कितना होता है, 6-1 कितना होता है, और 5 भी क्या होता है, 5 ही होता है। तो इन दोनों को दिखाने का कोई मतलब है कि नहीं है, नहीं, फिर तो सीधे एक ही ले लो ना। तो इसलिए एक्चुअली यहाँ पर जो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, 3n+1π/3, 3n-π/3 और n π/3। जरा मैं देखता हूँ, देखना इनको लिख करके। एक आ रहा है थीटा इक्वल टू 3n+1, दूसरा है थीटा इक्वल टू 3n-1π/3 और तीसरा है थीटा इक्वल टू 3π/3। चलो आ जाओ देखते हैं कितनी सच्चाई है इनके दावों में कि थीटा इक्वल टू फाइनल आंसर जो इन लोगों ने लिया है n π/3 लिया है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलो तो भाई शुरू होते हैं, n की वैल्यू डालते हैं 0। n की वैल्यू क्या डालते हैं, n की वैल्यू 0 पर आंसर कितना आएगा, 3 × 0 0। यस बिल्कुल सही, π/3। तो n इक्वल टू 0 पर डालने पर n की वैल्यू कितनी, π/3। पहला थीटा π/3, यहाँ भी 0 डाल दो तो थीटा इक्वल टू कितना, -π/3, और थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना, 0 हो जाएगा। ओके ओके। अब आप कहोगे सर 0 पर तो तीनों एंगल अलग अलग हो रहे हैं, बिल्कुल सही, अलग होने दो। अब रुको, ये यहाँ पे कह देना कि नहीं तीनों सोल्यूशन अलग है, जल्दबाजी होगी। आराम आराम से देखो, अब थीटा की वैल्यू -1 डालो, थीटा की वैल्यू क्या डालो, -1 डालो, थीटा एन की वैल्यू -1 डालो। हाँ तो देखो 3-1 -2π/3। ओके यहाँ पर देखो -1 है, थीटा इक्वल टू -4π/3 एंड थीटा इक्वल टू कितना, -π/3। मैंने क्या कहा था, ये देखो मैच हो रहा है, वहां पर अपन बोल देते अरे सर आई नहीं रहा है, बट देखो यहाँ पे ये मैच हो रहा है, मैच हो गया ना, मतलब जो ये है वो ये है, कहीं ना कहीं है, आगे है पीछे है, बट है ना कहीं ना कहीं। बोलो यस कि नो, ठीक है। अब रही बात इसकी, आ जाओ देख लेते हैं, हम डाल देते हैं, अब n की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, -1 भी ले ली, अब 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, 1 ले लेते हैं, n इक्वल टू 1 देखते हैं। हाँ थीटा इक्वल टू 4π/3, फिर थीटा इक्वल टू कितना, 3 बन जा 3 2π/3, थीटा इक्वल टू कितना 2π/3 और थीटा इक्वल टू कितना π/3। ये देखो मैच हो गया, हो गया ना मैच, मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो तुम कह रहे हो और जो तुम कह रहा हो वो कि तीसरा कोई कह रहा है, बट अलग अलग टाइम पे कह रहे हैं, मगर सारे सोल्यूशन तो कॉमन ही है ना, चाहे मैं π/3 बोलूँ, चाहे ये बोले चाहे ये बोले, सारे सोल्यूशन क्या है, कॉमन। और यकीन करो देखो, जब n की वैल्यू अगली बार 2 डालोगे तो अगली बार n इक्वल टू 2 डालने पर क्या आएगा, 2π/3। देखो ये बोल चुका कि नहीं बोल चुका, ये 2π/3 आ रहा है, इसलिए कह रहे हैं जो मैं हूँ वो तुम है और जो दूसरा है वो भी मैं ही हूँ, मतलब मैं तुम और वो सब बराबर हैं, है ना, इसलिए इसका एक कंबाइंड आंसर जो होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल टू n π/3। ओके बट बच्चों ये देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, ये देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, मगर थोड़ा दिमाग चल जाए तो अंदाज़ा लगा भी सकते हो, ठीक ना, अंदाज़ा लगा भी सकते हो। जैसे जैसे मैं कहूँ कि मैं ही 3n से एक ज़्यादा हूँ और मैं ही 3n से एक कम हूँ, मैं ही 3n से एक ज़्यादा हूँ, एक स्टेटमेंट टाइप की बात है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हमारी वाली मेथड जिंदाबाद बेस्ट, दुर्घटना से देर भली, हम लोग चेक कर लिए यहाँ पर ना आराम से आके। तो इसमें इसने कह दिया है कि
कि मैं ही हूँ एक ज़्यादा और मैं ही हूँ एक कम, मतलब तुम ज़्यादा भी हो कम भी हो, मतलब तुम सेंटर में हो एन पाई बाई थ्री, ठीक है ना। चलिए तो अब ज़्यादा इस पर विचार नहीं करना है क्योंकि हमने मेन मेथड सीख लिया है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। देखिए कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव में आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, अब ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ऑप्शन आपको टिक तो किसी एक में लगाना है, तब आप क्या करेंगे? हाँ, तो इसी सिचुएशन के लिए सही है। रही बात सब्जेक्टिव की बच्चों, तो अगर आप तीनों लिख करके आओगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे चार में से चार। बट यदि कॉम्पिटिटिव में कोई एक ऑप्शन दे दिया तब तो भाई साहब दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन जो है ये JEE लेवल का क्वेश्चन है, आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको फटाफट कर डालिए फिर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व 2 10² x प्लस 2 x इक्वल टू 2 फॉर एक्स इज बिटवीन 0 to 2π। देख लो भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिए चेतावनी लिखी हुई है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2π तक, 360 तक, मतलब केवल उन एंगल को आपको बताना है जो 0 से लेके 360 के बीच में है, बाकी बातें नहीं करनी है। मतलब आपको जनरल सोल्यूशन नहीं देना है इसमें, आपको इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन देना है, वो भी जो कि इन चारों क्वाड्रेंट के भीतर है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 2 10² x है, बहुत बढ़िया। sec² x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec²θ इक्वल टू 1 + x इक्वल टू कितना है, 2 है, 1 इससे माइनस हो जाएगा तो ये बन गया 3 10² 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 10² x इक्वल टू कितना हो गया 1, दो में से एक गया 1 हो गया, तो 10² x इक्वल टू 1/3, तो 10x इक्वल टू प्लस माइनस, बिल्कुल सही है, 30 अभी आएगा ना, प्लस माइनस और यहाँ पे आएगा 1/√3, कितना आएगा 1/√3, ठीक है। तो देखिए 10 की वैल्यू 1/√3, दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, एक 10x इक्वल टू 1/√3, 10x इक्वल टू 1/√3, तो भैया प्लस वैल्यू दो क्वाड्रेंट में होती है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में, तो फर्स्ट के लिए आ गया π/6 और थर्ड के लिए आ गया π + π/6 यानी 7π/6, और भाई जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो दो क्वाड्रेंट में होती है, एक सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड में क्या आएगा π - θ, तो π - π/6 बोले तो 5π/6, और फोर्थ में क्या आएगा 2π - π/6 यानी 11π/6, करके देख लो 2π - π/6, 6 × 2 = 12, 12 में से पाई गया कितना 11, तो आंसर कितना आ गया 11π/6, तो टोटल कितने सोल्यूशन आ गए, 4 सोल्यूशन, 1, 2, 3 and 4। तो कई बार JEE वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है द नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये नहीं बोलता सोल्यूशन बताओ, कहता बताओ कितने सोल्यूशंस हैं, तो आंसर कितना होगा 4 सोल्यूशंस, कितने सोल्यूशंस 4, तो बेटा यहाँ पे 4 सोल्यूशन आ गए हैं, क्लियर हो गया। चलिए तो जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, 4 सोल्यूशन इसके आंसर्स। देखिए थोड़ी सी मैं हिंट कर देता हूँ यहाँ पर बच्चों आपकी, जैसे मान लो आपके पास 10x की वैल्यू दी है कितनी, -1/√3, 10x इक्वल टू -1/√3, थोड़ा सा मैं सॉल्व करना है इसको, हिंट करना बता रहा हूँ, 10x इक्वल टू -10 30, सब लोग जानते होंगे। अब -10 30 आपको इस क्वाड्रेंट में लेके आना है, सेकेंड में, किस में लेके आना है, सेकेंड में, तो आप लोग सब लोग जानते हो कि 10 180 - θ इक्वल टू होता है -10 θ, तो -10 30 इक्वल टू 10 180 - θ, तो 180 - θ मतलब कितना, 10 150 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ, तो 10x इक्वल टू 150 डिग्री, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन x की जगह क्या निकल कर क्या है 150 डिग्री, तो चलो भैया 150 डिग्री को उसमें बदल लो रेडियन में, तो π/180 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 कैंसिल, 3 से 6 बार, 3 से कितने बार, 5 बार, बोलो आंसर कितना आ गया 5π/6, ये देखो ये चमक रहा है ना 5π/6। तो मेन चीज़ आपको उस क्वाड्रेंट में पहुंचना है, और उस क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए आपको ये लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, ये लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर आपने ये लाइन क्रॉस करी तो मैंने बताया था 10 cot में चला जाएगा, cot 10 में चला जाएगा, और आपको बदलना कुछ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन 10 में था और सॉल्व भी आप 10 में ही कर रहे हो, यस और नो, क्योंकि जो मैंने आपको सॉल्व करने के फॉर्मेट बताया है वो बताया है 10x इक्वल टू
टेन अल्फा, बताया कि नहीं बताया? तो इसी में ही आपको सॉल्व करना है, डन। सो ये हो गया इसका सोल्यूशन, जल्दी से नोट कर डालिए। तो बच्चों यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे जो थे एक तरीके से 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले हमने कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चैप्टर पूरा हो चुका है, यानी कि जितनी थ्योरी नॉलेज होनी थी इस चैप्टर की दे चुके हैं। अब बस आपको अपनी स्किल लगानी है, दिमाग भिड़ाना है और करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो आइए देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8 एंड 1 + cos 7π/8। आइए इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगेगा। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें क्या लगना है, ऑब्जर्वेशन। क्या लगना है बेटा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तब आता है जब आप किसी क्वेश्चन को करने के, मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब किसी इंसान को देखते ही उसका नज़रिया पहचान लेना, कुछ ऐसी चीज़ होती है ना। जैसे कि आपके घर के सामने कोई एनिमल आया हुआ है और आप उसको पहचान जाओ कि इसे भूख लगी है, तो ये कहता था ऑब्जर्वेशन। क्या कहलाता है ये? ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन का कोई मेथड नहीं है, ऑब्जर्वेशन जो होता है वो एक्सपीरियंस से आता है, तजुर्बे से आता है, ठीक है ना। आप अपने आप कोई भी कुछ भी चीज़ होती है उसका ऑब्जर्व करते हो, वो आपका खुद का नज़रिया होता है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जर्वेशन से ही आपको आएगा। फर्स्ट टाइम मैं आपको लगाने को दे रहा हूँ, चलो ये मैंने सोल्यूशन हाइड कर लिया, अब तुम लगा के दिखाओ। मैंने बच्चों आपको दिए 2 मिनट 3 मिनट, अब तुम दिमाग दौड़ाओ। अगर तुम्हारा दिमाग इस लेवल पर दौड़ गया तो बच्चों मैं मानूंगा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा है। और तुम्हारा अगर ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में तगड़ा है तो मतलब फिर तो जेई तुम निकालोगे नहीं, फोड़ दोगे। चलो दिखाओ अपना ऑब्जर्वेशन। देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन अगर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो मैं बताता हूँ। देखो जरा, ये है π/8। क्या है ये π/8? एक तो तरीका ये है कि तुम इनको सबको डिग्री में बदल लो। किस में बदल लो? डिग्री में। अब डिग्री में बदलोगे तो प्रॉब्लम होगी, यहाँ डिग्री में बदलोगे तो तुम्हारे पास आएगा 22.5। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, 22.5 आएगा। क्यों? क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 और 180 के 8 हिस्से। भाई 180 के 4 हिस्से होते हैं 45, और 45 का दूसरा हिस्सा, दो हिस्सा करोगे तो कितना होगा? 22.5, 22.5। लो फंस गए। सर आपने तो बताया डिग्री में बदल लो, और ये तो डिग्री में बदल करके 22.5 पे आ गए। अब क्या करेंगे, और बुरे फंस गए। चलो भाई डिग्री में बदलना था, अब 22.5 में बदल तो चुके हो, फिर आपको 22.5 की टेबल आनी चाहिए, वो अपन को आती नहीं है, भूल जाओ। तो उस तरफ से अपन को कोई मदद मिलने वाली नहीं है, तो अपन को कुछ और नया ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चन को ले करके आते हैं युद्ध के मैदान में। क्वेश्चन हम ले आए हैं, तो ये है हमारे पास भाई साहब क्वेश्चन। अब जरा देखो आप, अगर आपको डिग्री में बदलना है, क्योंकि डिग्री वाली बात मतलब कि क्वेश्चन को एकदम शुद्ध देसी तरीके से सॉल्व करने वाली बात होती है, तो यदि आप π/8 को लिख लो तो π/8 कितना होता है बेटा? 22.5 यानी 45 का हाफ, बोलो होता है ना। 3π/8 मतलब 3π/8 मतलब π/8 में आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 3 का। तो कुल मिला के ये हो गया 45 × 3 का हाफ, हुआ ना। 5π/8 यानी 45/2 का कितने गुना? 5 गुना। 7π/8 45/2 का कितने गुना? 7 गुना। कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है, ठीक है ना। अब देखो जरा सा, मैं अगर कहूँ आपसे कि आप निकालो cos π - π/8, जरा सोचो cos π - π/8 कितना होता है? cos π - θ, cos π - θ कितना होता है? -cos θ। कितना होता है? -cos θ। मतलब ये हुआ करता है -cos π/8, बोलो होता है कि नहीं होता। और यदि इसको पूरा सॉल्व कर दो तो π = 8π - π यानी cos 7π/8, बोलो होता है कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? मतलब ये जो cos 7π/8 इधर चमक रहा है आपके सामने,
ये देखो कॉस 7 पाई बाई 8 है कि नहीं है, ये एक्चुअली क्या है माइनस कॉस पाई बाई 8, दिखा कि नहीं दिखा। फायदा 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस में कन्वर्ट करने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी आया। चलो अब इन दोनों में देखते हैं कुछ ना कुछ होगा। एक है 3 पाई बाई 8 और एक है 5 पाई बाई 8, एक है 3 पाई बाई 8 है एक है क्या 5 पाई बाई 8, ठीक है। तो मैं कॉस 5 पाई बाई 8, कॉस 5 पाई बाई 8 है तो मैं इसे कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, कॉस 5 पाई बाई 8 इक्वल टू कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, क्योंकि 8 पाई हो गया ये और माइनस 3 पाई यानी कि ये वही तो है, और कॉस पाई माइनस थीटा मतलब कितना माइनस कॉस थीटा मतलब माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, मतलब जहां पे कॉस 5 पाई बाई 8 है वहां पे क्या लिख सकते हो माइनस 3 पाई बाई 8, यस और नो? तो ये देखिए हमारे पास कौन कौन बचे थे, ये दोनों बचे थे, तो जहां पर कॉस 5 पाई बाई 8 है मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूं माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, कहो यस कि नो? बन गई ना जोड़ी, ये वाली बन गई क्या 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ये बन गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, ये बन गया 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 और ये बन गया 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, ठीक है क्लियर? यस। अगर ये डिग्री में परफेक्ट बनते तो बड़ी आसानी से काम हो जाता। कैसे हो जाता, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आपकी। यदि कहीं पर लिखा होता कॉस 30 डिग्री और यहां पर बीच में मैं कहता कुछ होता कुछ होता और यहां पर लिखा होता कॉस 150 डिग्री तो मालूम क्या दिमाग लगाना था, इन दोनों को जोड़ के देखना था। 30 और 150 कितना हुआ 180, मतलब कहीं ना कहीं इसके जैसे बन जाएगा, या तो इसको इसके जैसा बना लो या इसको इसके जैसा। देख लो भाई मैं हेल्प कर देता हूँ, कॉस 150 इक्वल टू कॉस 180 माइनस का 30, बोलो ये सुनो, और कॉस 180 माइनस 3 मतलब कितना माइनस कॉस का 30, आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ पर जो बैठा है इसकी जगह कितना आ जाएगा माइनस कॉस 30। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्यार से कि नहीं हो पाएंगे, आया ना समझ में, कोई दिक्कत? तो एक हेल्प मिल गई कि इनका और इन दोनों का सम कितने डिग्री 180, कितनी डिग्री 180 डिग्री, बहुत बढ़िया 180 डिग्री, क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो आइए अब इसका सलूशन देखते हैं। ये देखिए भाई साहब इसका सलूशन, ये लिख दिया साथ में ले लिया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 कॉस 3 पाई बाई 8, इसको सॉल्व कर दिया 5 पाई बाई 8 को 8 पाई माइनस 3 पाई, ये हो गया सॉल्व और ये हो गया सॉल्व। आपको पता है कि 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 कितना होता है माइनस पाई बाई 8, तो ये माइनस में निकल आएगा ये प्लस में है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, एक स्टेप खाली है यहाँ पे, बोलो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, हाँ है ना? ये 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 है, ये क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कर दिया 1 माइनस कॉस, अब फार्मूला लगा दिया ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, बोलो क्लियर है पक्का? चलो अब क्या करना है, अब लगाना है हमको फॉर्मूला। ये देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और यहाँ पे है साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना? तो अब साइन का एंगल जो है आधा एंगल है, मैं फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, याद आया? यदि नहीं याद है तो सीधा फॉर्मूला याद कीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा 2 हटके यहाँ आ जाएगा, बोलो हाँ, बोलो यस। तो बेटा इसके लिए भी यूज करोगे, क्या यूज करोगे 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 अपॉन 2 लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा ये है, ओ सॉरी थीटा ये है इसका डबल π
पाई बाई 8 का डबल पाई बाई 4, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरा 3 पाई बाई 8 का डबल 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 इंटू कितना, यही चीज 1/2 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, ये सुनो 1/2 1/2 दोनों मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में काय का साइन है मल्टीप्लाई का, तो ये हो गया कितना वाई 1/4, एक ये एंगल एक ये एंगल, बोलो ये सुनो 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 सही है। कॉस 3 पाई बाई 4 को सॉल्व करो, कॉस 3 पाई बाई 4 तो कॉस 3 पाई बाई 4 यानी कितना होता, पाई बाई 4 होता है 45, 45 का 3 गुना यानी 135, कॉस 135 कैसे सॉल्व होगा, कॉस 80 माइनस 45, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 45, हाँ है ना, माइनस कॉस 45, ये माइनस निकला और ये पहले का माइनस, बोलो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और कॉस 45 मतलब कितना पाई बाई 4, तो ये भी पाई बाई 4 यानी 1/√2 और ये भी 1/√2, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1/4 बाहर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया तो पाई बाई 4 का कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/8 सॉल्व हो गया। आ गया समझ में, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है बच्चों, फुल टू जेई लेवल का क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन है, एक लाइन का ऑब्जर्वेशन है, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, चलिए इसको फटाफट कर डालिए ठीक है, और कल करके आनी आपको बाकी सारी प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि सिलेबस हो चुका है, सिलेबस नहीं चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, अब इसके बाद बचते हैं आपके पास एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज,